हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज दिन है ट्यूसडे और आज मेरा फास्टिंग है। वैसे तो मैं सोच रही थी कि आज ही मैं दिवाली की साफ़ सफाई कर दूं, लेकिन देखूंगी। वैसे तो मेरा फास्टिंग है, तो फास्टिंग में ज़्यादा कुछ करने का मन करता नहीं है। क्या कहते हो सोनू, आज तो फास्टिंग है, क्या करें? हल्का फुल्का कर दे क्या, जैसे कि नीचे का साफ साफ। ये नहीं बोल रहे हैं, मतलब नीचे का साफ कर दे, ऊपर वाला संडे कर लेंगे, क्या कहते हो? फ्राइडे कर लेंगे। हाँ तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी चलते हैं चाय बनाने। और टहल के हम लोग आ गए हैं, सुबह के 5 बजे ही उठे हुए थे हम लोग। और देख सकते हैं चेहरा कितना शाइनिंग कर रहा है ना फ्रेंड्स हम दोनों का। मतलब सुबह उठने पे एक चीज़ का फ़ायदा होता है, ये आप कभी देख लेना। अगर आप सुबह जल्दी उठो ना और थोड़े से बाहर फ्रेश हवा में टहल के आओ, तो चेहरे पे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। चेहरा देख सकते हैं कितना ग्लोई लग रहा है। मैंने अभी सुबह में ना, मतलब आके थोड़ा सा लेट गई थी, क्योंकि मैंने ना केला खा लिया है, तो मेरे गले में अजीब खिचखिच सी हो गई है। और अभी चलते हैं चाय बनाने, और मैं ब्रश भी नहीं की हूँ, तो अभी जा रही हूँ मैं ब्रश करने पहले। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये चिल्ला चिल्ला के पागल हो गई हैं सब। उनके लिए यहाँ पे खाना रेडी हो रहा है। एक पता नहीं कहाँ भाग गए। बिल्लू की ठाट कैसे खा रही है सब खींच खींच के। बिल्लू खींच लेती है। तो चाय वाय पी के मैं आ गई हूँ साफ़ सफाई करने, क्योंकि दिवाली नज़दीक आ रहा है, तो मैं सोची कि आज ही सारा साफ सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पर्दा भी निकाल के रख दिया है, और ऊपर मकड़ी के जाले जो लगे हुए थे। वैसे तो मैं हमेशा जब भी झाड़ू लगाती हूँ ना, तो मकड़ी के जाले जो भी नीचे मेरे हाथ से, मतलब मेरे पहुँच में जो आता है, उसे मैं साफ़ करती रहती हूँ। और ऊपर के तो जो झाड़ू से मिलते नहीं हैं, वो तो मतलब साफ़ करने वाले से ही साफ़ होता है। तो यहाँ पे मैं अपना साफ़ सफ़ाई कर रही हूँ। किचन में भी थोड़े बहुत जाले हो गए थे, और आ गई हूँ यहाँ बाथरूम में। तो बाथरूम में भी साफ़ सफ़ाई कर रही हूँ, ऊपर के जाले निकाल रही हूँ। और दिवाली में ना फ्रेंड्स, पूरे साफ़ सफ़ाई अगर ना हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मकड़ी के जाले वाले निकाल के यहाँ पर आ गई हूँ मैं सारे चादर को धोने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मशीन में रख दिया है। और मतलब मैंने ना पूरे घर की सफ़ाई की थी। वैसे तो मैं पिछली बार भी दुर्गा पूजा के टाइम में भी पूरे घर की साफ़ सफ़ाई की थी, लेकिन हमारे यहाँ ना छठ पूजा में और दिवाली में हर एक छोटी से छोटी चीज़ों की साफ़ सफ़ाई होती है। गांव में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि साफ़ सफ़ाई करने पड़ते हैं। तो यहाँ तो शहर में उतने हैं नहीं कि उतने साफ़ सफ़ाई करने, लेकिन जो भी हैं उसे बहुत अच्छे से सब कुछ क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अपना फ्रिज भी साफ़ कर ले रही हूँ। बहुत टाइम से मैंने साफ़ किया नहीं था। ऊपर ऊपर से मैंने फ्रिज और वॉशिंग मशीन साफ़ किया है, अंदर से नहीं किया है। फ्रिज मैं कल साफ़ करूँगी, एक ही दिन इतने सारे काम मैं नहीं करूँगी, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊँगी। तो सारे चीज़ों को क्लीन कर ली हूँ मैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक कॉटन के कपड़े लिए हैं, एकदम सूखा लेना है, बिल्कुल पानी से इसे भिगाना नहीं होता है। तो कॉटन का कपड़ा लेके मैं यहाँ पे टीवी भी अपना साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि दुर्गा पूजा बीते मुझे लग रहा है कि 1 महीने तो हो ही गए होंगे। तो उसी टाइम के मैं साफ़ की हुई थी, बीच में मैं साफ़ की नहीं थी। तो आज मतलब जब भी कोई पर्व आता है ना, और साफ़ सफ़ाई करो और अगले दिन देखो ना, तो घर बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश फ्रेश और मज़ा आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीछे भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाते हैं। वैसे मुझे समझ में नहीं आता है कि सारे दरवाजे बंद रहते हैं, फिर भी इतने धूल कहाँ से आ जाते हैं। तो पीछे ना बहुत ज़्यादा धूल जमा हुआ था पीछे टीवी के पीछे, क्योंकि पिछली बार मैं ध्यान नहीं दी थी और अच्छे से साफ़ नहीं की थी। तो इस बार मैं सोची कि सब कुछ मैं क्लीन करूँगी, एकदम अच्छे से क्लीन करूँगी। और दिवाली की सफाई में ना बहुत मज़ा आता है फ्रेंड्स। यहाँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अकेले अकेले क्या ही मज़ा आएगा। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो जब शादी के पहले हम लोग पूरे आदमी मिलके घर में, तो मेरे बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे से साफ़ सफ़ाई और
मतलब छठ और दिवाली आने के 20 दिन पहले से ही एक मन में ना इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, मतलब पूरा मंथ जो होता है ना फेस्टिवल का, वो कैसे आता है, कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। मतलब एक अलग सी खुशबू होती है उस माहौल में और हवाओं में। यहाँ तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आदमी जहाँ रहता है वहीं उसको एडजस्ट करना पड़ता है, अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पे मैं अपने खिड़की और देख सकते हैं जंगले की पूरी साफ़ सफाई कर रही हूँ। शादी के पहले ना मेरी दादी जब जिंदा थी तो बाप रे बहुत मज़े आया करते थे। मतलब मेरी दादी भी बहुत साफ़ सफाई किया करती थी। और यहाँ पे मैंने पर्दा भी ना डाल दिया था वॉशिंग मशीन में फ्रेंड्स, लेकिन मैं अगली बार से ना ट्राई करूँगी कि पर्दा वॉशिंग मशीन में ना डालूँ, क्योंकि मतलब पर्दा ना एकदम से मेरे धुन गए थे और उसका जो वाइट वाइट अंदर जो फोम टाइप का लगा रहता है ना वो बाहर निकलने लगे थे। तो अगली बार से मैं ट्राई करूँगी कि मैं वॉशिंग मशीन में ना डालूँ, हाथ से ही साफ़ करूँ। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दूसरा चादर बिछा लिया है। वैसे तो चादर मैंने 2 दिन पहले ही चेंज किया हुआ था, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं मानता है। मैं जब भी साफ़ सफाई ऊपर से करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मुझे चादर भी हटा देना चाहिए। तो आज तो मैं अपने बेडरूम को एकदम क्लीन कर ली हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्लीन कर ली हूँ, और अच्छा भी लग रहा है। घर अगर साफ़ हो ना तो एक क्या होता है ना, घर साफ़ सुथरा रखो तो पूरे दिमाग पे एकदम। हेलो गाइस, तो सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है और दोपहर के बज गए हैं 2:30 और बहुत ज़ोरों वाली बारिश आ रही है फ्रेंड्स। अभी धूप था, अचानक से इतनी तेज़ बारिश आ रही है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी तेज़ वाली आंधी और पानी आ गई है। यहाँ आ गई हूँ जी मैं अपने किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने आलू की मसाले वाली सब्ज़ी बनाई है, आलू दम, जो कि इनका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और चावल। और हाँ फ्रेंड्स, किस किस की दिवाली की सफाई शुरू हो गई है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपने शुरू कर दी है तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं तो अपनी दिवाली की सारे साफ़ सफाई कर ली हूँ। और आप सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस और हैप्पी छठ। छठ की मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। तो वीडियो करती हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, लव यू।